ओम हनुमते नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अविरल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लेती। मित्रों, आज बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की दिनांक 16/7/2021 से दिनांक 23/7/2021 तक कैसा रहेगा हमारी 12 राशियों का भविष्य, इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि अर्थात मेघ राशि से। इस सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उदर व नेत्र विकार हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, धार्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की द्वितीय राशि अर्थात वृक राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, धन सम्मान यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, ग्रह स्थिति का परिवर्तन सुखद संयोग उत्पन्न करेगा, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की तिथि राशि अर्थात मिथुन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। राशि चक्र की चतुर्थ राशि अर्थात कर्क राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, किसी लंबित कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, भू राजस्व संबंधी कार्यों में उत्तम समय है, उधार गया धन प्राप्त होगा, शासन सत्ता का सहयोग प्राप्त होगा, विरोधी परास्त होंगे, देव दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होगी। राशि चक्र की छठी राशि अर्थात कन्या राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, आय और व्यय में संतुलन बनाएं, बहुत समय से लंबित किसी कार्य के पूर्ण होने की संभावना है, किसी महिला अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा, धार्मिक यात्रा के योग हैं। राशि चक्र की सातवीं राशि अर्थात तुला राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक प्रगति होगी, जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य प्राप्त होगा, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, जुए व सट्टे से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राशि चक्र की आठवीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, किसी नई जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे, कारोबार में लाभ होगा। राशि चक्र की नवी राशि अर्थात धनुराशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, कोई बड़ी खरीद कर सकते हैं, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, सप्ताहांत में कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा। राशि चक्र की दसवीं राशि अर्थात मकर राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा, आर्थिक प्रगति होगी, किसी कार्य के पूर्ण होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी, चली आ रही समस्याओं का अंत होगा, कोई नई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। राशि चक्र की ग्यारहवीं राशि अर्थात कुंभ राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आर्थिक प्रगति होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति होगी, संतान के संबंध में किया जा रहा प्रयास सार्थक होगा। राशि चक्र की बारहवीं राशि अर्थात मीन राशि, इस सप्ताह स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति होगी, राजद्वार से उपहार व सम्मान का लाभ प्राप्त होगा, संतान के संबंध में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, व्यापार में लाभ होगा, नए अनुबंध प्राप्त होंगे, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों, यह था हमारा साप्ताहिक राशिफल जो कि दिनांक 16/7/2021 से दिनांक 23/7/2021 तक हमारी समस्त 12 राशियों पर प्रभावी रहेगा। मित्रों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।